Hi friends, I am going to solve in these questions. Question 2, in the given figure L parallel to M, आपका L जो है parallel to M है and T is the transversal, और T जो आपका transversal जो कि दोनों parallel line को या parallel जो दो parallel line है इसको cut कर रहा है. If angle A and angle 1 equal to angle 1 and angle 2 are in ratio, आपका जो angle 1 है आपका एंगल 1 है और एंगल 2 जो है रेशियो है 5:7 में. कर फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल 1, 2, 3 और 8 एंगल को फाइंड आउट करना. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका रेशियो दिया है एंगल 1 रेशियो एंगल 2 जो है 5:7 में. तो लेट मान लो लेट द एंगल मेजर 5x एंड 7x. तो आपका एंगल 1 इक्वल टू 5x हुआ एंड एंगल 2 इक्वल टू 7x हुआ. ठीक है, देखो एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, एंगल 1 एंड एंगल 2. तब जानते हो कि एक पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री. किसके अकॉर्डिंग? लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग. तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री किसके अकॉर्डिंग? लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग. ठीक है, देन एंगल 1 कितना आपका 5x है, 5x. 2 कितना है 7x इक्वल टू 180 डिग्री. 5x प्लस 7x कितना आपका 12x इक्वल टू 180. देन x इक्वल टू 180 बाई 12. तो 6 काटो 6 दुनी 12, 6 त्रिका 18 मीन्स हो गया 30. तो फिर 2 से काटोगे तो 15 में मतलब x इक्वल टू आपका 15 आ गया. देन एंगल 1 इक्वल टू कितना माने थे 5x. देन 5x की वैल्यू कितना आपका 15. तो 15×5=75 डिग्री. एंड एंगल 2, एंगल 2 कितना माने थे आप 7x माने थे. ठीक है, तो एंगल 2 7x कितना 15. तो अब कितना 15×7=105. ठीक है, आप एंगल 1 और एंगल 2 के वैल्यू कैलकुलेट कर लिए. एंगल 1 की वैल्यू कितना है 75 डिग्री, एंगल 2 कितना है आपका 105 डिग्री. ठीक है, 102 एंड 105. अब देखो कि जब आपका एंगल 1 निकला, एंगल 1 जो निकल गया आप क्या निकला, एंगल 1 अपन निकला एंगल 2. अब एंगल 3 देखो, तो आपका एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के किसके अकॉर्डिंग? वर्टिकली अपोजिट के एंगल होता है. आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होता है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होता है, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग सारे इक्वल होते हैं. देन आपको निकालना है आपको एंगल 3. तो एंगल 3 के लिए आपका एंगल 1 जो है इक्वल होगा एंगल 3 किसके? वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 का वैल्यू कितना आपका 75 है, 75 डिग्री है. ठीक है, देन एंगल 3 इक्वल टू 75 डिग्री. ठीक है, मैं यहाँ पे सब लिख दे रहा हूँ. एंगल 1 इक्वल टू कितना है 75 है, एंगल 2 कितना है आपका 105 है, एंड एंगल 3 इक्वल टू आपका कितना है 75 है. अब देखो आपको कौन सा कैलकुलेट करना है, एंगल 8, मतलब एंगल 8 कहाँ है, यहाँ पे है. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप तो एंगल 1 जानते हो, एंगल 1 के हेल्प से क्या करो कि आप निकाल लो, एंगल 1 के हेल्प से क्या करो एंगल, चलो आप एंगल 2 जानते हो इससे निकाल लो. आपके सम क्या लगाओगे लीनियर या आप इजी लगा लो. एंगल 2 जानते हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा ना, किसके अकॉर्डिंग? वर्टिकली अपोजिट के एंगल. तो या देखो आपको निकालना है एंगल 8. ठीक है, तो आपका जो है एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के. ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाए. ठीक है,
देखो जब आपका एंगल टू, एंगल फोर इक्वल वर्टिकल अपोजिट, एंगल टू कितना आपका है, एंगल टू और एंगल फोर इक्वल टू 105 के, ठीक है। जब आपका एंगल फोर निकल के आया कितना 105, देखो जब आपका 105 आया, 104 को 5 आया कौन, आपका एंगल फोर आया। जब एंगल फोर जो आपका 105 आया, इसके जो एंगल फोर और एंगल एट कैसे इक्वल है, ये एंगल फोर इक्वल है आपके करस्पेंडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट होता है, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन होता है, एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स होता है, एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव कम। देखो पैरेलल के ऊपर वाला दोनों इक्वल होते हैं, पैरेलल के नीचे वाला दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, किसके करस्पेंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग, देन आपका एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट इक्वल टू आपका एंगल फोर इक्वल टू एट होगा इक्वल किसके कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, देन एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट इक्वल टू एंगल कितना 105, देन आपका एंगल एट कितना है 105 हो गया। जब आपने एंगल एट निकाल लिया, एंगल एट इक्वल टू 105, ठीक है 105। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और आपके जो भी क्लोज फ्रेंड है तो प्लीज़ उसे भी शेयर करें ताकि आपका भी भला हो सके और हमारा भी भला हो सके, और आपका लाइक जरूर जरूर करें और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके थैंक यू।